बाय मामा, बाय पापा, बाय। पता है आज तो लड़का मेरी साइकिल के बिल्कुल पास आ गया। मैं तो घबरा ही गई, कहीं मेरी साइकिल ना रोक ले। मैं जल्दी जल्दी साइकिल चलाने लगी, मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। अरे यार, पता नहीं क्या होगा तुम जैसी लड़कियों का। अरे अगर वो जरा टच भी करता तो दो थप्पड़ देती घसीट के सही हो जाता। तुम कुछ बोलती नहीं हो तो उनको लगता है कि पट जाएगी, आज नहीं तो कल, और ट्राई मारते रहते हैं। यार तू कैसे इस तरह की बातें कर लेती है, मैं तो घबरा जाती हूँ, मुझसे नहीं होगा। चल आज तुझे छुट्टी में दिखाती हूँ कि सेट कैसे करते। एक्सक्यूज़ हेलो, प्रॉब्लम क्या है तेरी? छेड़ता है तू इसको? किसी भी लड़की को कमेंट करेगा तेरे बाप की प्रॉपर्टी है? लड़की बाजी करने के अलावा कोई काम नहीं है क्या? साले लंगूर जैसी शक्ल है तेरी, लंगूर भी तुझसे अच्छा होगा। अब बोलती क्यों बंद है? बोल, अब चुप क्यों है? अब बोल क्या बोलना है। इसी सड़क पर इतना मारूंगी कि चलने फिरने लायक नहीं रहेगा, समझा? दोबारा अगर इसकी तरफ आग उठा के देखा या आसपास भी भटकाना तो सोच लेना। अब निकल यहाँ से, नहीं तो दूंगी एक खींच के। निकल, चल। यार तू ये सब कर कैसे लेती, तुझे जरा भी डर नहीं लगता इन लोगों से? ये छिछोरे लोग होते हैं, इनसे इन्हीं की लैंग्वेज में बात करो तो तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं। भाई तुम समझ नहीं रहे हो, अपनी बहुत बेइज्जती हुई है सबके सामने। अब कुछ भी हो जाए यार, हमको बस वो लड़की चाहिए तो चाहिए। ओके पूजा, मेरे डैड आ गए हैं, मैं निकलती हूँ। बाय। ओके बाय। एक्सक्यूज मी, क्या मैं हेल्प करूं? लीजिए, हो गई ठीक। इसका नट ढीला है, आगे साइकिल दुकान है, सही करा लीजिएगा। थैंक्स। बाय द वे, मेरा नाम राज है, आपका? अगर आपको नहीं बताना तो कोई बात नहीं। पूजा। By the way, मेरा नाम राज है। पापा? रात में आपने मोबाइल दिलाने को कहा था। मोबाइल? कैसा मोबाइल बेटा, और तुम्हें मोबाइल की जरूरत क्या है? स्कूल पढ़ने जाती हो, वहां से सीधा घर आती हो, घर पर हम सब लोगों से थोड़ी ना मोबाइल में बात करोगी। रही बात किसी दोस्त से बात करने की तो मेरा और मम्मी का मोबाइल ले लिया करो। ओके पूजा। ओके बाय। बाय बेटा।
क्या बात है, तुझे बड़े प्यार से घूरा था, कौन है? मुझे क्या पता यार, तू कितना घूमती रहती है, जब देखो कहीं ना कहीं गायब। मेरे घर में तो सिर्फ पढ़ाई 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 के चक्कर में सब कुछ बंद रहता है। वो क्या है ना कि मैं खुद नहीं जाती, मगर मेरे कजन की शादी है तो एक वीक तो बनता है। एंड यू नो इट्स अ लव मैरिज, हाउ स्वीट, जाके पूछूंगी कैसे प्यार हुआ। एंड वैसे भी इस वीक में ऑलरेडी 3 छुट्टियां हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, तो चल। एक्सक्यूज मी, मुझे आपसे बात करनी है। एक्सक्यूज मी, हु आर यू टू टॉक टू हर लाइक दिस? पूजा, डू यू वांट टू टॉक? हो गया, चलो निकलो अब यहां से। साला सही कहा था रघु, उसके साथ वाली बहुत तेज है, कुछ करना पड़ेगा। एक नंबर के लोफर होते हैं लोग। अरे जब जानते नहीं तो बात क्या करनी है, तू दूर रहना इन लोगों से। हाँ सही किया जो तूने बात करने से मना कर दिया। पूजा, हाय। वो आपने कल बात करने को मना कर दिया था, इसलिए मैं ये लाया हूं, इसे पढ़ लीजिएगा। ये क्या है? मैं आपको जो कहना चाहता था वो मैंने इसमें लिख दिया है, घर जाके पढ़ लीजिएगा। लीजिए। बाय। शायद आपको अच्छा ना लगे इस तरह सड़क पर रोककर आपसे बात करने की कोशिश करना और ये लेटर देना, लेकिन मैं क्या करूं, आपको रोज आते जाते देखता हूं, हर वक्त दिल में आपका ही ख्याल रहता है, इसलिए आज बड़ी हिम्मत करके इस लेटर को लिख रहा हूं। हर वक्त आंखों में आपकी ही मासूम प्यारी सी सूरत ठहरी रहती है, आपकी आंखें, आपके होंठ, आपकी मुस्कुराहट, बस आप ही मेरी जिंदगी बन गई हैं। कल सुबह आपका उसी जगह पर इंतजार करूंगा। अगर आपकी तरफ से हाँ है तो बस एक बार प्यार से मुस्कुरा दीजिएगा, जिसे मैं आपकी हाँ समझूंगा। राज। पूजा बेटा, पूजा, पूजा। अरे वाह, क्या बात है, आज इतनी जल्दी कैसे तैयार हो गई? नहीं मामा, वो आज नींद जल्दी खुल गई थी ना, इसलिए जल्दी तैयार हो गई। आज तो कमाल कर दिया तुमने, रोज ऐसे ही सुबह जल्दी उठ जाया करो। गुड गर्ल, अब समझदार हो रही है तू।
स्माइल करने के लिए। आपका नंबर मिलेगा? नहीं, मेरे पास मोबाइल नहीं है। मैंने आपको फेसबुक पे सर्च किया, आप मिले नहीं। नहीं, मेरा फेसबुक पे अकाउंट नहीं है, मैं ऑपरेट नहीं करती। तो हम लोगों में बात कैसे होगी? मुझे क्या पता। देबू, इस प्लॉट की डील फाइनल कर दो, और मोनिका जी, इसकी डिटेल्स निकालो और जितनी जल्दी हो सके एडवांस भिजवा दो, ठीक है? ओके। देबू, ये पूजा के साथ लड़का कौन है? पहले कभी देखा नहीं उसके साथ में, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, पता करो। एक मिनट, ये आपके लिए। थैंक्स। ओके, बाय। बाय। हाँ देबू, बोल। ओके। अच्छा, तू एक काम कर, उसके आसपास ही रहना, देखना कि उसके साथ कुछ उल्टी सीधी हरकत ना करे, ओके? अच्छा, एक सेकंड रुको, ये लो तुम्हारे लिए, अब हम लोग रोज बात करेंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं ले सकती, घर में किसी ने देख लिया तो। अरे इसमें क्या है, अपने स्कूल बैग में छिपा लेना। नहीं नहीं, मैं नहीं ले सकती, किसी ने बैग चेक कर लिया तो। अरे लास्ट टाइम तुम्हारा बैग किसने चेक किया था? किसी ने नहीं। इसीलिए कह रहा हूं, रख लो प्लीज। थैंक्स। अच्छा ठीक है, फिर कल मिलते हैं। मैं तुम्हारे कॉल का इंतजार करूंगा। ओके, बाय। बाय। पूजा का फोन है, स्पीकर पे लगा, हम सब सुनेंगे। स्पीकर पर लगा। हेलो। हाय। कैसी हो, क्या कर रही हो? कुछ नहीं। डिनर हुआ? हाँ हो गया। अच्छा अच्छा, कल फिल्म देखने चलोगी? नहीं, वो एक्चुअली ना मेरा स्कूल रहता है और उसके बाद मैं घर आ जाती हूँ तो। अरे हम है ना, हम बताते हैं तरीका, हमारे पास बहुत आइडिया है। अच्छा सुनो, पंचर हो गई, स्कूल किससे जाऊं? कोई बात नहीं, तू रिक्शे से चली जाना। अच्छा ठीक है। ओके बाय। जाओ वहां चेंज कर लो, अपना फेस कवर कर लो। रजू, आजकल तुम लोग के पैसे पे बड़ा याशी कर रहा है। अबे वो हमारी प्लानिंग थी लंडिया पठाने की। तो का हिसाब दे रहा है तुम लोग को? नहीं देगा हिसाब, हिसाब नहीं देगा तो उसको पेल पाल के रामपाल नहीं बना देंगे। अरे पूजा, तू यहाँ क्या कर रही है?
स्कूल क्यों नहीं आई आज? नहीं यार, आई थी बट लेट हो गई थी, तो स्कूल का गेट बंद हो गया था और मुझे अंदर ही नहीं आने दिया, तो मैं बाहर ही वेट करती रही। प्लीज यार, घर में किसी को मत बताना। हाँ हाँ ठीक है, वरना मम्मा बहुत डांटेगी। कोई बात नहीं, चल साथ में चल। चल अच्छा ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं। बाय बाय। ओए ओए मेरा बच्चा कैसा है? हाँ बैठिए, मैं चाय लाती हूँ आपके लिए। हाँ हाँ, और कहाँ क्रिकेट खेलने? हाँ वही जा रहा था। पूजा कहाँ है? वो अपने रूम में। हाँ अरे चाचा आप, क्या बात है मेरी चिमेर की, चाचा से मिलने क्यों नहीं आई? नहीं चाचा, वो एग्जाम्स आ रहे ना और थोड़ा सर में भी दर्द था। ओहो मेरा बच्चा, छोटू से दिमाग पे ज्यादा टेंशन मत डाला करो, ओके? कुछ प्रॉब्लम है? नहीं चाचा कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर किसी से प्यार हुआ? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, तो कभी भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो अपने चाचा को जरूर बताना, ओके? Promise? Promise. Good. Good girl. क्या बात है देवर जी, आजकल आपको पूजा की बहुत चिंता होने लगी है? कुछ नहीं भाभी, आजकल वो बहुत गुमसुम रहने लगी है, पता नहीं। काहे इतनी चिंता कर रहे हो? अभी बच्ची है, कल तक पूरे घर में हुड़दंग मचाती रहती थी, अब बड़ी हो रही है तो शांत हो ही जाएगी। हाँ क्या है ना, गंभीरता आ जाती है। नहीं नहीं आज नहीं आ सकती, चाचा आए हुए हैं। यार प्लीज टाइम निकालो ना। अच्छा ठीक है देखती हूँ। हेलो। हाँ देवू, साले की टांगे यहीं तोड़ दूँ क्या? नहीं देबू, अभी वो ना समझ है, ऐसा करने से उसके दिमाग पे बहुत असर पड़ेगा, ये उसकी नज़र में हीरो बन जाएगा, तू बस इस पे नज़र रख, बाकी मैं देखता हूँ। ठीक है चल। पूजा। हाँ चाचा। छत पे आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बेटा मैंने तुमसे कहा था ना, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी परेशानी हो, मुझसे शेयर जरूर करना। हाँ तो फिर शेयर क्यों नहीं किया? जी वो क्या शेयर करना है? आज तुम कहीं घूमने गई थी? मैं तुम्हें पार्क में देखा था किसी लड़के के साथ। क्या हुआ, इतना घबरा क्यों रही हो? मैंने तुम्हें कुछ बोला? कहा तुम जो कर रही हो कुछ गलत नहीं कर रही हो, तुम्हारी उम्र में सब यही करते हैं, गलत केवल इतना है कि तुम सबसे झूठ बोल के कर रही हो, सबसे छुप के कर रही हो, और इन सब बातों का फायदा इस तरह के लोग उठाते हैं। लेकिन चाचा वो अच्छा लड़का है। अच्छा तुम्हें क्या पता है उसके बारे में? यही कि वो IIT की तैयारी कर रहा है और गोमती नगर में रहता है, उसके चाचा आर्मी में और उसके फादर गवर्नमेंट में किसी बड़ी पोस्ट पे। पता है बेटा, मैं ये सब तब से जानता हूँ जब उसने तुम्हें मोबाइल दिया था। वो कोई अच्छा लड़का नहीं है, कोई IIT की तैयारी नहीं कर रहा है, वो एक नंबर का लफंगा लड़का है। वो कहीं गोमती नगर में नहीं रहता है, वो अमीनाबाद के एक झोपड़े में रहता है। क्या हुआ, मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है? प्रूफ दूं क्या? रुको।
ये देखो, देखो इसे। आप भी अपने चाचा पे यकीन नहीं करोगी? प्रॉमिस करो कि तुम आज के बाद कभी उस लड़के से नहीं मिलोगी। सॉरी चाचा। कोई बात नहीं। क्या हुआ पूजा, आज तू इतनी सैड क्यों है? बताना हुआ क्या है? कुछ नहीं यार। पूजा, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? और तुमने फोन क्यों नहीं किया? कितना परेशान हूं मैं, रात भर सोया नहीं हूं। ओ हेलो, रुक सानिया, आप बहुत बुरे हो, मुझे आपसे बात नहीं करनी। इतना सब कुछ हो गया और तूने मुझे कुछ नहीं बताया? कैसे दोस्त है तू? मैं तुझे बताया था कि सड़क पर लोग कैसे होते हैं। मेरे पापा के आई नो यार, तेरे पापा ने तुझे सब कुछ सिखाया, मेरे पापा ने मुझे कुछ नहीं सिखाया, तो मैं क्या करूं? मैं बहुत परेशान हूं, मुझे और परेशान मत करो, जाओ। बता तो तू क्या हुआ है? ऐसा क्या किया मैंने तुम्हारे साथ जो तुम मुझसे बोल ही नहीं रही हो? तुमने मुझसे सब झूठ बोला, तुम झूठे हो, मुझे सब पता चल गया है। एक मिनट, तुमसे किसी ने कुछ कहा और तुमने मान लिया, यही है अपना प्यार? तुम मुझसे पूछ तो लेती, तुम मुझे 10 मिनट दो, मैं तुम्हें सब बताता हूं, फिर तुम्हारी मर्जी, चाहो तो चली जाना, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन मुझे 10 मिनट का टाइम दे दो पूजा, प्लीज। हाँ ठीक है, बोलो क्या बोलना है। सड़क पर बात करने से अच्छा है कि हम लोग पार्क में चल के बात करें, सड़क पर बात करना अच्छा नहीं। मैंने आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, तो मैं गलत कैसे हो गया पूजा? पकड़ो 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 इन सबको, पकड़ो, थाने ले जाओ सबको। ए, चल चल थाने, चल चल। क्या हुआ, कहाँ रह गई पूजा? उसके दोस्तों को फोन किया? उसके सारे दोस्तों को फोन कर दिया, पता नहीं कहाँ है वो। पुलिस स्टेशन? क्या करते हैं आप? प्रॉपर्टी का काम है। ध्यान नहीं देते बच्ची पे? माँ क्या करती हैं? हाउसवाइफ हैं। प्रॉपर्टी के साथ साथ बच्चों पर भी ध्यान दीजिए। पापा, रुक जाइए, क्यों मारने जा रहे हैं उसे? क्यों मारने जा रहे हैं इसे, ये इससे पूछो। मैं इसे यहाँ बच्ची समझ रहा हूँ और ये दुनिया भर में मेरी नाक कटाने पे तुली हुई है। आज मुझे पहली बार पुलिस स्टेशन जाना पड़ा इसकी वजह से। इसकी वजह से? क्यों इसकी वजह से? ना समझ है, बच्ची है भी वो। तुम इसे ना समझ कह रहे हो जो गार्डन में जाकर किसी आवारा लड़के के साथ क्या कर रही है? गलत शब्दों का इस्तेमाल मत करो, ये जो कुछ भी हुआ है उसके जिम्मेदार सिर्फ आप हो। मैं कैसे जिम्मेदार हूँ? आप हो। आपको याद है लास्ट टाइम कब आपने उसे प्यार से गले लगाया था? लेकिन गले लगाने का इन सब से क्या मतलब? मतलब है, आपको याद है लास्ट टाइम कब आपने उसकी आंखों में आंखें डाल के प्यार से बात की थी? नहीं याद आया ना, पर मुझे याद है, जब ये पैदा हुई थी तो आप बहुत खुश थे, फिर धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, आप दोनों के बीच का प्यार बढ़ रहा था, दिन भर सीने से लगाए घूमते रहते थे, बिना उसके कहीं आते जाते नहीं थे,
फिर थोड़ी और बड़ी क्या हुई, आपने उससे डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया और वो डिस्टेंस आज इतना बढ़ गया कि वो अपने दिल की बात आपसे नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि बेटी बड़ी हो रही है, उसे पढ़ाई लिखाई शादी घर के काम नौकरी के अलावा भी कुछ सिखाया है। कभी कोशिश की है उसे बाहर की दुनिया दिखाने की, कभी ले गए उसे घर के बाहर और बताया कि समाज में कैसे भेड़िए घूमते हैं जो माँ बाप से पहले पता लगा लेते कि उनकी बेटी बड़ी हो रही है। कभी बताया उसे प्यार क्या होता है, कभी बताया उसे लड़का लड़की के बीच अट्रैक्शन क्या होता है। उसे मुखौटे पहने हुए लोग समझ में नहीं आएंगे क्योंकि आप ही कहते हो ना वो बच्ची है, तो फिर इस बच्ची को ढंग से बड़ा करने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी। अगर ये सब बातें आपने उसे बताई होती तो आज आपसे छुपकर कुछ नहीं करती वो। उसे रास्ते में कोई छेड़ता परेशान करता या प्रपोज करता तो सबसे पहले आपको बताती, अपनी जिंदगी की किताब का हर पन्ना आपको दिखाती, आपसे करेक्शन करवाती, सही गलत की समझ उसमें आती, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरी समझ में नहीं आता कि एक बाप अपनी बेटी से उस वक्त दूरी क्यों बना लेता है जब उसे अपने बाप की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। देखिए देखिए इसकी आंखों में और बताइए कौन सही है कौन गलत। बेटा, आज से तेरा बाप हर कदम पे तेरे साथ है। तुझे जो करना है कर, पर एक प्रॉमिस कर मुझसे कि आज से अपने दिल की हर बात मुझे बताएगी बिना किसी डर के और बिना किसी हिचकिचाहट के। आज से तू मेरी नजर से दुनिया को देख और मैं तेरी नजर से दुनिया को देखता हूं और दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे क्या सही है और क्या गलत। रिश्ता ये दुनिया में सबसे जुदा, कहते जिसे लोग बेटी पिता। हाय, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। श्योर, बट मेरे पापा के सामने।